ये कर्जा माफ करने का भी समिति गठन करना था क्या? हमारा सरकार शपथ लिया, मुख्यमंत्री जब शपथ लेने के बाद एक घंटा के अंदर कर्जा माफी किया है। ये जो मैं सभी बोला ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और चारों तरफ से गिरा हुआ राज है, तो इस ये मामला अलग है, कर्जा माफी करने का अलग है। ये मामला आम आदमी से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है, आदिवासी से जुड़ा है, इसको तो समिति करना है। इसको नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे नोटबंदी किया, लाइन में रख के कितना लोग मरे। अभी हमारे जो लॉकडाउन में दारू बंद किया था, कितने लोग मरे आपको पता है? बिलासपुर में 6 लोग मरे, यहाँ पर और सेवन करके भी रायपुर भी मरे। इसको सारू पहले को देखना है, ऐसे नहीं कि रात को हम लोग बंद कर दे। घोषणा पत्र बनाने समय हम लोग सोचे हैं, उसको ही पालन करने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैं उत्तर नहीं दे रहे। जब लॉकडाउन में दारू बंद हो गया था, दूसरा सेवन करके रायपुर में 4-5 लोग मर गए, बिलासपुर में 4-5 लोग मर गए। जब गुजरात में दारू बंद है, तुम्हारा बिहार में दारू बंद है, 300 आदमी 3 लाख आदमी अंदर है, ये गरीब लोग को कितना नुकसान पहुंचाने वाला काम है, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर, इसलिए चुने हुए विधायक को, कोई भी दल का, चाहे जोगी पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, अभी तक उन लोग नहीं दिए। सामाजिक हो, आर्थिक, हमारा पत्रकार हो, NGO हो, सबसे हम लोग राय ले रहे हैं। इसमें किस प्रकार घाटा होगा, नुकसान होगा, उसको जल्दीबाजी नहीं करना है। आप बोले एक साल नहीं होगा, अगले साल होगा, नहीं होगा देखेंगे, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और उसको गंभीरता से हमारा मुख्यमंत्री देख रहा है, विधानसभा में घोषणा किया है कि हम तुम लोग जल्दी से नाम दो, और राजनीतिक दल भी आओ, और चुने हुए विधायक भी आओ, और व्यापारी भी आओ, पत्रकार भी सुझाव दो, तो एक आध दिन मीटिंग में आप भी आओ, सुझाव थोड़ा दो।